हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्लास 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फैक्टर्स तो निकाल लेते हैं तो सेंटेंस लिखने में मुश्किल होती है, तो वो भी हम क्वेश्चन से ही निकाल के लिखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 243। तो इसके पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने का तरीका हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ में यहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 3 है तो हम टेबल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यूजुअली क्या है 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं ज़्यादातर, मगर यहाँ पर 3 है लास्ट में तो ये 2 के टेबल से नहीं कटेगा, फिर हम 3 से ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, 3 का टेबल ले लिए हमने। यहाँ पर फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते, 1/1 नंबर को हम यहाँ पर डिवाइड करते। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए ये 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 से छोटा है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर को हम मिला के काटेंगे, बाकी का फिर सिंगल सिंगल काटेंगे। ठीक है, ये मेन रूल है यहाँ पर। तो अभी हम काटेंगे 3 8 ज़ा 24 और यहाँ पर काटेंगे इसको 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट हम 3 का ही टेबल लेंगे, 3 2 ज़ा 6। काटने पर यहाँ पर हमें कितने बचे, 2 बचे, वो छोटा सा 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये कितना हो गया 21। तो 3 7 ज़ा 21 लिखेंगे हम। नेक्स्ट फिर 3 से लिखेंगे 3 9 ज़ा। ठीक है, ऐसा देखना 3 9 ज़ा 27, इस तरह से आप देखते जाएं 3 9 ज़ा 27। नेक्स्ट फिर 3 लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। लास्ट हम लिखेंगे 3 1 ज़ा 3। अभी यहाँ पर फैक्टर्स लिखेंगे, 243 के फैक्टर्स कितने हैं हमारे पास, 3 3 कितने टाइम है, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स, 1 2 3 4 और ये 5। अभी यहाँ पर 3 3 का ग्रुप करेंगे तो एक ही ग्रुप होगा, यहाँ पर देखिए 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, यहाँ पर हमें ग्रुप बनाने के लिए 1 3 क्या है कम पड़ रहा है, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, हियर 1 3 डज नॉट, ये 1 3 जो है यहाँ पर है, 1 3 डज नॉट अपियर इन 3 ग्रुप्स, सो फॉर कंप्लीटिंग दिस इन 3 ग्रुप्स वी नीड 1 मोर 3। तो वी नीड 1 मोर 3 एंड द लास्ट सेंटेंस हम क्वेश्चन से निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, नंबर की जगह हम लिखेंगे 243। ठीक है, 243 यहाँ पर ले, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई, हमारे पास क्या कम है, व्हाट वी नीड, वी नीड 3, सो मल्टीप्लाइड बाई 3 टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह से क्या है, आप क्वेश्चन में से ही आप सेंटेंस बनाइए नंबर निकाल के, 243 मल्टीप्लाइड के बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3, बाकी का सेंटेंस टू बी ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब एज इट इज रखेंगे, तो ये सेंटेंस आपका मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 256। अभी इसके भी हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 6 है तो हम 2 का टेबल लेंगे, 2 1 ज़ा 3। अभी यहाँ देखो 2 और 2 इक्वल है, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंगल सिंगल नंबर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 5 तो नहीं आता 2 के टेबल में तो 1 कम करके लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा इसमें तो उसको बाजू लगा लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट फिर 2 से लेंगे 2 का टेबल, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट नंबर जो है 2 से कम है, तो वैसी कंडीशन में हम
ये दोनों नंबर को मिला लेंगे। तो ये हो गया 12, तो हम काटेंगे 2 6 12 और यहाँ पर 2 4 8, लास्ट में 4 आया है तो फिर हम 2 से काटेंगे। लास्ट पे जो ये नंबर 6 8 4 क्या है 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसलिए यहाँ पर 2 का टेबल लेते जाएंगे। ठीक है, तो 2 3 6 एंड 2 2 4। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2 आया, ये लास्ट नंबर तो 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम फिर वापस से क्या लेंगे, टेबल 2 ही लेंगे। अभी यहाँ पर 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम 2 काटेंगे, 2 1 2, यहाँ पर एक जो बस्ता उसको हम बाजू लगा लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 6 12। नेक्स्ट 6 आया, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे 2 का ही टेबल। लास्ट 2 8 16, नेक्स्ट फिर 2 ही लेंगे, 2 4 8, नेक्स्ट 2 लेंगे, 2 2 4 एंड 2 3, लास्ट में लिखेंगे 2 1 2। फैक्टर्स लिखेंगे हम यहाँ पर, 256 के फैक्टर्स 2 6 कितने टाइम है चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ का 3 का ग्रुप करेंगे इस तरह से, 3 3 का ग्रुप करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 क्या है ट्रिपलेट्स में नहीं है, यानी कि 3 टाइम्स अकर नहीं हुआ है, यहाँ पर नहीं आया है। हम क्या लिखेंगे, पहला सेंटेंस 1 2 इज नॉट इन द 3 ग्रुप्स। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे हम, देखिए 1 factor 2 डज नॉट अपियर इन 3 ग्रुप, एंड लास्ट में लिखेंगे 1 we need 1 more 2 टू मेक 3 ग्रुप। मेन सेंटेंस हमारा ये है, लास्ट जो हम क्वेश्चन में से लिखे थे उसी तरह से यहाँ भी लिखना है, 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 टू ऑप्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से बनाना है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 72। अभी यहाँ पर हम कौन सा टेबल लेंगे, देखिए यहाँ पर लास्ट में 2 है तो 2 का टेबल लेंगे, ये 2 के टेबल में आता है तो 2 का टेबल रखेंगे। अभी यहाँ देखो 7 2 से बड़ा है, तो हम सिंगल सिंगल करके इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 3 6 काटेंगे। ठीक है, 7 तो नहीं आता 2 के टेबल पे, तो हम क्या काटेंगे, 2 3 6। यहाँ पर क्या है, एक बच रहा है तो उसको हम बाजू लगाएंगे इस तरह से, तो ये 12 होगा। यहाँ पर काटेंगे हम 2 6 12। ठीक है, अभी यहाँ लास्ट में 6 आया तो 6 2 के टेबल में आता है, तो हम फिर 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम काटेंगे 2 1 2, एक यहाँ पर बच गया क्योंकि यहाँ पे 3 है, हम काट रहे हैं 2 1 2, तो वो एक हम बाजू लगा लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 8 16। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में 8 आया है तो फिर हम 2 का ही टेबल लेंगे, 2 9 18। ठीक है, अभी यहाँ पर 9 आया तो हम 2 का टेबल नहीं लेंगे क्योंकि 9 2 के टेबल में नहीं आता है, तो हम टेबल चेंज करेंगे, 3 3 3 9 एंड लास्ट लिखेंगे 3 1 3। चलिए इसके फैक्टर्स डालेंगे, 2 3 times है इसको लिखेंगे, 2 into 2 into 2 और नेक्स्ट क्या है, 3 into 3। तो यहाँ पर अगर हम 3 का ग्रुप करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 का तो ग्रुप हो गया और यहाँ पर 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो हम लिखेंगे हियर 1 factor 3 इज नॉट इन द 3's ग्रुप। ठीक है, एक फैक्टर जो हमारा 3 का है वो 3 के ग्रुप में नहीं है, वी नीड 1 more 3। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस डालेंगे और मेन सेंटेंस हमारा रहेगा ये। ठीक है, 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 675। तो हम 675 के पहले फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए लास्ट नंबर 5 है, 5 है तो हम लेंगे यहाँ पर 5 का टेबल। अभी देखिए 5 6 से बड़ा है तो हम सिंगल सिंगल करके डिवाइड करेंगे, तो 5 1 5 काटेंगे यहाँ पर, 5 1 5 तो यहाँ पर 1 बच गया, उसको बाजू लगाएंगे। अभी यहाँ पर 17 है तो हम 5 3 15 यहाँ पर काटेंगे, 5 3 15 तो यहाँ पर 2 बच गए, तो लास्ट में हम 2 लगाएंगे, 5 5 25। लास्ट में फिर 5 आया है तो हम लगाएंगे यहाँ पर 5 का ही टेबल। और ये देखिए फर्स्ट नंबर हमारा 5 से छोटा है तो हम इन दोनों को जोड़ के लेंगे, तो ये 13 हुआ, 13 के लिए हम काटेंगे 5 2 10 और यहाँ पर कितने बचे 10 काटने पर 3, तो उसको हम बाजू लगा लेंगे, ये हो गया 35, 5 7 35। ठीक है, नेक्स्ट 27 आया, 27 हमारा 3 के टेबल में आता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टेबल चेंज करेंगे, यहाँ पर लेंगे 3 3 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, यहाँ पर फैक्टर्स लिखेंगे, 5 × 5, नेक्स्ट 3 3 डालेंगे, 3 × 3 × 3। यहाँ पर देखिए ये 3 का एक ग्रुप बन रहा है, मगर 5 के लिए हमारे पास क्या कम है, यहाँ पर 1 5 कम है, तो वैसे टाइम पे हम लिखेंगे सेंटेंस क्या लिखेंगे, यहाँ 1 factor 5 इज नॉट इन 3's ग्रुप, ठीक है, और वी नीड 1 more 5 एंड मेन सेंटेंस हमारा ये है, 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। लास्ट क्वेश्चन को चलेंगे, यहाँ पर देखिए 100 है तो यहाँ पर 5 से काटेंगे हम, तो टेबल लिखेंगे यहाँ पर 5। अभी देखिए फर्स्ट नंबर जो है 5 से छोटा है तो हम ऐसे टाइम पे हम 2 नंबर मिला के लेंगे, तो 5 2 10 लेंगे और ये 5 0 0, नेक्स्ट फिर 5 से लेंगे, 5 4 20, नेक्स्ट 4 क्या है हमारा 2 के टेबल में आता है तो यहाँ पर टेबल चेंज करेंगे, लिखेंगे 2 2 4 और लिखेंगे यहाँ पर 2 1 2, यहाँ पर फैक्टर्स लिखेंगे, 5 × 5 × 2 × 2। अभी यहाँ पर ग्रुप नहीं हो रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर हियर फैक्टर 5 एंड 2 इज नॉट इन 3 ग्रुप, ओके, वी नीड 1 5 एंड 1 2, सो वी नीड 2 एंड 5 टू मेक 3's ग्रुप। एंड लास्ट में लिखेंगे 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई, देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 और 5 को हम इस तरह से लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 × 5 डेट इज 10 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।